हेलो व्यूवर्स, आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करें। जो पीछे के हमारे लेसन्स थे वहाँ पे हमने आपको बताया था गूगल एडसेंस के बारे में। किसके बारे में बताया था? गूगल एडसेंस। उस गूगल एडसेंस पे हमने आपको बताया था कि अगर गूगल एडसेंस का आप अकाउंट लेना चाहते हो तो आपके पास क्या रहना चाहिए? एक वेबसाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अथवा आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए। वेबसाइट और ब्लॉग का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर दिया जाए। हमने यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लिया और टाइप किया www.inter। यहाँ पे आप देख रहे हो http://www.yogendracity.blogspot.in। इट्स क्लियर। यहाँ पे एक डोमेन तो मिला है योगेंद्रा सिटी, बट आगे क्या लगो? ब्लॉग स्पॉट डॉट इन। तो आप जो भी वेब पेजेस बनाएंगे या जो भी ब्लॉग बनाएंगे उसके एट लास्ट में क्या लगा होगा? ब्लॉग स्पॉट डॉट। ठीक है, वहाँ पे ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम होगा या ब्लॉग स्पॉट डॉट इन होगा, राइट? बिकॉज वी आर इन इंडिया। हम लोग कहाँ? इसमें इंडिया में। तो इसके चलते वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ब्लॉग स्पॉट डॉट इन। इट्स क्लियर, गुड। दूसरा है लाइक www.baliyacity.com। तो दिस इज द वेबसाइट, दिस इज द बट www.yogendracity.blogspot.in दिस इज द ब्लॉग, दिस इज द इन दोनों में मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे एक डोमेन नेम, आपने एक कस्टमाइज डोमेन नेम परचेज किया हुआ है, ओके? और दूसरा, जो भी पेजेस आपने बनाए हैं लाइक होम, ब्लॉग, टूरिज्म, कल्चर, न्यूज एंड इवेंट्स, डाउनलोड्स, डायरेक्टरी, कॉन्टेक्टर्स, या ये लेफ्ट साइड में जो आपने लिंक्स बनाए हुए, इनका जो भी पेजेस हैं, ओके, इन पेजेस को होस्ट कराने के लिए भी आपको चार्जेस देने होते हैं होस्टिंग कंपनी को। तो वेबसाइट के कॉन्सेप्ट पे आपको डोमेन नेम को परचेज करना होता है और होस्टिंग को परचेज करना होता है। दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज क्लियर, गुड। दूसरी चीज, आप जब होस्टिंग कराते हो तो आपके आपको एक होस्टिंग की कंपनी चूज करनी होती है, लाइक रेडिफ, याहू, गोडैडी, होस्ट गिटार, बिगरात इत्यादि बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज है। बट कभी भी वेबसाइट के कॉन्सेप्ट में होस्टिंग उसी कंपनी के साथ में आपको करानी चाहिए जो आपको 99.9% तक अप टाइम दे। क्या दे? मीन्स उनका सर्वर डाउन ना होता हो। क्लियर। दूसरा, हमने इस टैब पे क्लिक किया तो आपको आ गया www.yogendracity.blogspot.in। तो यहाँ पे पहले से एक डोमेन है blogspot.in, ओके? इसका एक सब डोमेन यूज किया गया है योगेंद्रा सिटी। इस तरह से लाखों सब डोमेन्स हैं जो इस मेन डोमेन blogspot.in के साथ में ऐड होंगे। क्लियर। तो इसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है, ना ही इस डोमेन नेम के लिए चार्जेस देना होता है और ना ही जो आप पेजेस बनाते हैं उसके लिए चार्जेस देना होता है। मतलब यहाँ पे होस्टिंग भी आपको फ्री में मिलती है और डोमेन नेम भी फ्री में मिलता है, बट वो डोमेन नेम सब डोमेन नेम होता है। क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे जो मेन डोमेन है वो तो ब्लॉग स्पॉट डॉट इन है। क्या है? गुड। दूसरी चीज कि आप जैसे कि फेमस पर्सनालिटीज, यह एक लिंक है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो कुछ ही देर में, जैसे हमने क्लिक किया है, रिस्पांस हम लोग देखते हैं, रिस्पांस क्या मिलता है हम लोग को क्लिक करने का। तब तक हम अपने इस ब्लॉग पे भी आ जाते हैं। यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ भी एक टैब दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस, ओके? ये एक लिंक है और ये दूसरा पेज का लिंक है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारे सर्वर साइड से एरर आ गया, इसको रिफ्रेश करें एक बार। तो यहाँ पे हमने देखा कॉन्टेक्ट अस एक दूसरा पेज हमारे सामने ओपन होकर के आ गया और बलिया सिटी पे पर्सनालिटीज डॉट पी एच पी करके एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो गया, ओके? तो पेजेस तो आप वेबसाइट पे भी बना रहे हैं और पेजेस तो आप ब्लॉग पे भी बना रहे हैं। अगर यहाँ से हम अपने होम पेज पे चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो अपने होम पेज पे हम चले जाएंगे।
पेज का लेआउट देखा, चेंज हो गया, चेंज हो गया. जब यहां पे रीड मोर पे आप क्लिक करिएगा तो आपको उसके नीचे के भी कंटेंट दिखाई देंगे. तो पेजेस आप अपने ब्लॉग पे भी ऐड कर पा रहे हैं और पेजेस आप अपने वेबसाइट पे भी ऐड कर पा रहे हैं. तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. मेन डिफरेंसेस है कि एक कंप्लीट डोमेन नेम लेने के लिए आपको पे करना होता है, जबकि ब्लॉग बनाने के लिए आपको कोई भी पे नहीं करना होता है. नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर. अब सपोज, ये तो एक बना बनाया ब्लॉग की बात हो गई. सपोज करिए आप खुद का अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास या तो वेबसाइट होनी चाहिए या तो ब्लॉग होना चाहिए. अभी तक आपने कोई भी डोमेन नेम परचेज नहीं किया है, तो आप एक फ्री में ब्लॉग अकाउंट बना सकते हैं. ओके और ब्लॉग बनाने के लिए आपको कहाँ पे चलना होगा? एक न्यू वेबसाइट आप टाइप करें, www.blogger.com. व्हाट इज दिस? blogger.com. इसको जैसे आप ओपन करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो गया. आपके सामने एक पेज किसका ओपन हुआ है? गूगल का. यानी जो ब्लॉगर की सर्विस है उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? गूगल. इसमें जो आप पेजेस बनाएंगे उसको कौन होस्ट करेगा? गूगल. ओके एंड इट्स फ्री. यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट अ ब्लॉग, इट्स फ्री. यह कंप्लीटली फ्री है. इसके लिए आपको साइन अप करना होगा या फिर आपको साइन इन करना होगा. साइन अप का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप ब्लॉग बनाने जा रहे हैं बट आपके पास कोई भी गूगल का अकाउंट नहीं है, आप साइन अप करो, गूगल का अकाउंट बनाओ, उसके बाद साइन इन करो. आपने पहले से गूगल का अकाउंट बना लिया है तो आपको क्या करना है? साइन इन करना है, और आपके पास पार्टिकुलर ईमेल एड्रेस होगा और पार्टिकुलर पासवर्ड होगा. ओके तो अगर हमारा ईमेल अकाउंट गूगल पे है तो हमें कंप्लीट ईमेल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं. जैसे हमने यूजर नेम लिखा यहां पे, सिटी इंफोटेक ग्रुप, और फिर हमने यहां पे पासवर्ड टाइप कर दिया. पासवर्ड हमेशा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है. दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल मैटर. ओके साइन इन करें हम. साइन इन करते ही फिर आप कहाँ जा रहे हो? ब्लॉगर पे. थोड़ा सा आप वेट करें, पेज जब लोड हो जाएगा तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी. तब तक के लिए इसको बंद कर दिया जाए. इट इज टेकिंग मोर टाइम, बट सबसे पहले हमें जो मिला वो ब्लॉगर डैशबोर्ड. हमें क्या मिला? ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड है. व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्लॉगर्स डैशबोर्ड. अभी भी आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यू ब्लॉग. व्हाट इज दिस? और यहां पे क्या देख पा रहे हैं? रीडिंग लिस्ट. क्या देख पा रहे हैं? और उसके नीचे क्या देख पा रहे हैं? ऑल ब्लॉग्स एंड ब्लॉगर बज. तो अभी तक आपने कोई ब्लॉग बनाया नहीं है, फ्रीली आपने न्यूली अकाउंट से लॉगिंग किया है अपना ब्लॉग बनाने के लिए, और ये आपका ब्लॉगर का डैशबोर्ड है. ओके तो न्यू ब्लॉग पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप पढ़े क्रिएट योर ब्लॉग न्यू, यू आर नॉट एन ऑथर ऑफ एनी ब्लॉग्स. अभी तक मतलब आपने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं है, आप ऑथर हुए ही नहीं. तो यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे आप क्लिक करेंगे. जैसे आप न्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टाइटल पूछी जाएगी. क्या पूछा जाएगा? उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कोई सा भी इसमें से आप एक टेम्पलेट चूज करेंगे और क्या कर जाएंगे? क्रिएट ब्लॉग. ओके तो टाइटल का मतलब क्या है? ये पहले से एक ब्लॉग बना है, ये टॉप पे जो लिखा है लर्निंग कंप्यूटर ऑनलाइन हिंदी, इट इज द टाइटल. तो इस तरह का आप भी अगर अपने ब्लॉग पे कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइटल को टाइप किए. ओके जैसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको बनाना होगा कि किस लिए आप ये ब्लॉग बना रहे हो. ओके अगर ये एजुकेशनल ब्लॉग है तो आपको यहां पे लिखना होगा ए
एजुकेशनल टिप्स, तो एजुकेशनल टिप्स तो बहुत सारी होंगी, किस तरह की एजुकेशनल टिप्स? तो कंप्यूटर, कंप्यूटर एजुकेशनल टिप्स। पेड है या फ्री है? फ्री है। तो आप यहां पे लिख दीजिए बैक साइड पे, फ्री कंप्यूटर एजुकेशनल टिप्स। अब आपको यहां पे अपने ब्लॉग का नाम देना होगा, कुछ भी नाम जो अवेलेबल होगा आप दे सकते हैं। ओके, जैसे योर नेम इज दीपक, तो यहां पे हमने टाइप कर दिया दीपक, ब्लॉग का नाम हमने क्या दे दिया दीपक, बट यहां पे क्या लिख रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, पहले से दीपक नाम से किसी ने ब्लॉग बना रखा है। ओके, तो आपको दूसरा और नया नेम आपको चूज करना पड़ेगा। लाइट हम यहां पे टाइप करते हैं सिटी, सॉरी हम यहां पे टाइप करते हैं बलिया, सॉरी सिटी। दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल बलिया सिटी, और आपका ब्लॉग के साथ में क्या एड्रेस ऐड हो जाएगा, मेन ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, और ये ओके है। यानी आपके टाइटल पे क्या लिख के आएगा, फ्री कंप्यूटर एजुकेशनल टिप्स, और एड्रेस क्या होगा ब्लॉग का, बलिया सिटी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, जो ऑटोमेटिक वहां पे जाके डॉट इन में चेंज हो जाएगा बिकॉज योर लोकेशन इन इंडिया। अब इसमें से शुरू करने के लिए कोई सा भी आप एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, और बाद में उस टेम्पलेट को आप चेंज भी कर सकेंगे। ओके, तो कोई सा भी आपको लेना ही, चूज ही करना पड़ेगा। हम कौन सा ले ले बताएं आप, फर्स्ट या सेकेंड? चलिए सेकेंड पे हमने क्लिक किया, इट इज वेरी सिंपल, और यहां पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट ब्लॉग एंड जस्ट वेट, क्या करेंगे, इंतजार करेंगे जब तक कि ये पेजेस को कॉन्फ़िगर नहीं कर लेता। और देखिए आपके सामने पेजेस कॉन्फ़िगर हो गए हैं, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा आपको दिखाई देगा, जब दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा, यानी शो और हाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, ये बिल्कुल ही ब्लॉगर का एक नया इंटरफेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और ये बहुत ही कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री कंप्यूटर एजुकेशनल टिप्स, योर ब्लॉग हैज बीन क्रिएटेड। देखिए आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया, अब आपको तो पोस्टिंग करनी है, क्या करनी है, पोस्टिंग करने से पहले हम आपको बता दें व्हाट इज दिस, यहां से भी आप पोस्ट कर सकते हैं न्यू पोस्ट। ओके, व्हाट इज दिस, आप पोस्ट लिस्ट पे यहां से जंप कर सकते हैं और यहां से आप अपने ब्लॉग को व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट क्लिक करें और अपने ब्लॉग को ओपन इन न्यू विंडो व्यू कर लें, ताकि जो हम यहां पे चेंजेस मेक करेंगे यहां से हम अपने ब्लॉग को देख सकेंगे। आपको पता है आपके ब्लॉग का क्या नाम हो गया है, बलिया सिटी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम या डॉट इन। देखिए यहाँ पे आ गया फ्री कंप्यूटर एजुकेशनल, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया है, राइट, बलिया सिटी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन, और यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री कंप्यूटर एजुकेशनल टिप्स। कोई पोस्ट है यहाँ पे? कोई भी पोस्ट नहीं है। चलिए पोस्ट करने के लिए हमें क्या कहाँ चलना पड़ेगा, ब्लॉगर डैशबोर्ड पे चलना होगा। एक पोस्ट करके आपको दिखा देते हैं, फिलहाल इसके बारे में जाने, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मोर ऑप्शन मिलेगा, ओवरव्यू, पोस्ट, पेजेस, जहाँ से आप पेजेस बना सकेंगे। ओके, कमेंट्स, गूगल प्लस, स्टैट्स, अर्निंग, सबसे बड़ा कॉलम तो यही है अर्निंग। ओके, राइट, टेम्पलेट्स और सेटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप टेम्पलेट चेंज करोगे या सेटिंग में कुछ चेंजेस करोगे तो आपको यहाँ से चेंज करना होगा। तो फिलहाल हम क्या करें, स्टार्ट पोस्टिंग, एक हम पोस्ट करें। टिप्स आप किस पे देना चाहते हो, Where you want to give your tips? Free computer educational tips, okay? Yes. तो आप बताओ टिप्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप किसी को ये बताना चाहते हो कि आप अपने कंप्यूटर को सेफ कैसे रख सकते हो, तो सेफ रखने के लिए क्या जरूरी है, आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लोड करो, क्या लोड करो, फायरवॉल को ऑन करो। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे एक टिप्स राइट कर देते हैं, पोस्ट की टाइटल होनी चाहिए, याद रखो कोई भी पोस्ट बिना टाइटल के नहीं देना चाहिए, पोस्ट की टाइटल होनी चाहिए, और हमने यहां पे लिख दिया रिमूव
देखिए कंप्यूटर इस समय आपका हैंग हो रहा है, रिमूव योर कंप्यूटर वायरसेस, ओके। टाइटल क्या दे दिया हमने? रिमूव योर कंप्यूटर वायरसेस। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले ऑन फायरवॉल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग में क्या करना होगा? फायरवॉल को ऑन कर देंगे, उसके बाद कोई और भी सेटिंग होगी जिसको हम ऑन कर देंगे, डिफेंडर ऑन, डिफेंडर। डिफेंडर के अलावा और भी कोई सेटिंग हो सकती है? लोड एंटीवायरस। अब आप यहां पे फायरवॉल के बारे में टिप्स दे सकते हैं, डिफेंडर के बारे में टिप्स दे सकते हैं और एंटीवायरस के बारे में टिप्स दे। बहुत सारे एंटीवायरस हैं जो फ्रीली आपके कंप्यूटर में लोड होते हैं और बहुत सारे एंटीवायरस हैं जो पेड होने के बाद लोड लेते हैं, ओके। आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, मैं बस आपको पोस्ट कैसे करना होता है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसको हम यहाँ से सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अलाइनमेंट, जस्ट गो इन सेंटर और इसको नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3। अच्छा तो नहीं लग रहा है, इसको लेफ्ट में ही रहने देते हैं। और कोई इमेजेस आप अगर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो आप इमेजेस यूज कर सकते हो। इमेजेस के लिए आप क्या करोगे? इस ऑप्शन पे आओगे, इंसर्ट इमेजेस। तो इंसर्ट इमेज से पहले आपके पास एक उस तरह का इमेज होना चाहिए, तो इसके लिए गूगल पे आप जाओ और कंप्यूटर टिप्स से संबंधित कोई इमेज लेकर के आओ और वहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे इमेज पे आप क्लिक करोगे, कहाँ पे क्लिक करोगे? इमेज। और यहाँ पे आप जिस टाइप का आपको इमेज लगाना है वो कीवर्ड टाइप करोगे, जैसे कंप्यूटर फ्री टिप्स। तो यहाँ पे तमाम इमेजेस होंगे जो आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर फ्री टिप्स के ऊपर। आप इस इमेज को यूज कर सकते हैं अथवा इस इमेज को यूज कर सकते हैं। चलिए हम इस इमेज को यूज करते हैं, राइट क्लिक करें। बहुत सारे इमेजेस लोड हो रहे हैं और काफी लोड है आपके कंप्यूटर पे, राइट क्लिक किया और इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या किया? और यहां पे इसे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी। वो किया, इमेज पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए पुनः इसी को हम क्या करें, सिंगल क्लिक करें। अब ये इमेज हमारे सामने लार्ज हो गया, थोड़ा सा वेट लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक ये देखते हैं ये इस इमेज का टाइप क्या है, जेपीजी। और इमेजेस में भी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, ये इमेज कॉपीराइट का भी मैटर हो सकता है। अभी देखिए ये क्रॉस हो गया, इमेज पूरी तरह से लोड नहीं हो पाया, या लोड हो गया। इसे राइट क्लिक करके सबसे पहले हम सेव एज कर लें। क्या करें? सेव पिक्चर एज। और इसे हम अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। यहाँ पे जाएं आप, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करें, इमेजेस का नाम इमेजेस ही है और इसको क्लोज कर दें। पुनः इस हिस्से पे आएं और इस लिंक पे, इमेज वाले पे क्लिक करें। यह आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपकी इमेज है कहाँ पे, क्या पूछेगा आपसे? सेलेक्ट अ फाइल। तो हम यहाँ पे ब्राउज करते हैं, ब्राउज करते ही हमें लोकेशन मिल गया कि आप कहाँ से इमेज लेना चाहते हैं। हमने कहा डेस्कटॉप पे, ऑलरेडी इमेज नाम से हमारा इमेज पड़ा हुआ है, ये देखिए। इसको ओपन कर लें, थोड़े समय में वो इमेज हमारे सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम क्या क्लिक करेंगे, ऐड सेलेक्टेड। देखते हैं इमेज लोड हो गया, ऐड सेलेक्टेड, ये इमेज हमारे सामने आ गया। इसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में राइट में ढेर सारे नीचे आपके सामने ऑप्शंस आ गए। तब तक इसको हम प्रेजेंटली पोस्ट करें।
क्या करें, इसको पब्लिश कर दिया जाए, पहले सेव फिर पब्लिश। पब्लिश करते जो डेटा हमने पोस्ट किया है वो कहाँ चला जाएगा, साइट पे चला जाएगा। कहाँ पे? मतलब बलिया सिटी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन पे चला जाएगा। या पोस्ट कंप्लीट हो गई, अगर कोई कमेंट करना है करिए, अदरवाइज इसको छोड़ देते हैं, इस ऑप्शन को। शेयर करना है करिए, वरना छोड़ देते हैं, हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे सामने यहाँ पे देखें, फ्री कंप्यूटर एजुकेशनल टिप्स में पोस्ट ऑल वन दिखा रहा है, मतलब एक पोस्ट हो चुका है। आप अपने इस ब्लॉग को रिफ्रेश करें और वो जो पोस्ट आपने वहाँ पे किया है, यहाँ पे जहाँ पे नो पोस्ट दिखा रहा है आपको शो करेगा। वाह, आपका टाइटल भी तैयार है और कम से कम एक पोस्ट भी आपका तैयार हो गया है। इट्स राइट इस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग के लिए इतना ही। सेकेंड टाइम पे हम इसके आगे इसके अदर सेटिंग्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।